खैर उन्होंने कृष्ण कथा सुनाए। बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सुरजयो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितं परमाद्भुतम्। बोले दो वंश में सूर्य और चंद्र वंश में बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, लेकिन सबसे प्यारी कथा किसकी है? बोले सबसे प्यारी सूर्य वंश में प्रभु राम की कथा और चंद्र वंश में कृष्ण कथा, ये दोनों की कथा सबसे मीठी कथा, सबसे प्यारी कथा ये दोनों की कथा। तब उन्होंने कृष्ण कथा सुनाए। बोले कृष्ण कथा कैसे है? बोले तीन गंगा है, एक गंगा रहती है स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी, वो स्वर्ग लोक को कल्याण करती है। एक गंगा रहती है मर्त्य जगत में जिसका नाम भागीरथी, जो पृथ्वी को कल्याण करती है। एक रहती है पाताल में जिसका नाम भोगवती, वो पाताल लोक को कल्याण करती है। जैसे ये तीन गंगा तीन लोगों को कल्याण करती हैं, कृष्ण कथा भी तीन लोगों को कल्याण करती है। बोले ये तीन लोग कौन है? बोले पहला नंबर जो प्रश्न करता है, दूसरा नंबर जो कथा सुनाता है, और तीसरा नंबर है जो कथा करते हैं। पूछने वाले, करने वाले और सुनने वाले, ये तीनों को ही भगवान की कथा कल्याण कल्याण करती हैं। भगवान कथा इतने मीठा इतने मठा, बोले आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथाभिरुक्रमे, जो आत्मा में रमण करने वाले जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी कृष्ण कथा आकर्षण करती हैं। तब उन्होंने बताए जिस समय कंस ने अपना बहन श्री देवकी को, कंस को साथ में वसुदेव को साथ में शादी करवाए, बहुत कुछ दहेज रूप में दिया, स्वयं सारथी बन करके उनको विदाई दे रहा था, इतने में बीच में आकाशवाणी हुई, बोले रे मुड़ा कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा यह देववाणी है, ये देववाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उन्होंने तलवार लेकर के जब उन्होंने देवकी को मारने जा रहा था, वसुदेव ने देखा आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होगी, किसी तरह से देवकी को मेरे को बचानी चाहिए, साम दाम भेद नीति कोशिश की कैसे उसको बचा ले। लेकिन कंस किसी तरह से बात नहीं सुन रहा था। बोले देख कंस, तेरे को पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। बोले हाँ, बोले मेरे जितने बच्चे सबके सब तेरे को हवाल कर दूंगा, मेरे सारे बच्चों को तू मार दे, लेकिन ये देवकी को मत मारा करो, ये तुम्हारी बहन तुम्हारी बदनामी होगी, शादी के समय पर एक दिन तो मरना ही है, बड़ी बड़ी बदनामी लग रही, क्यों मरोगे? ठाकुर का इच्छा छोड़ दिए। इसका जो सबसे पहला बेटा कीर्तिमान हुआ, उन्होंने सीधा लेकर कंस को दे दिया, कंस का हृदय तो द्रवीभूत हो गया, अपना सद्य जात बच्चे को कोई मारने के लिए दे सकता? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। इतने में श्री नारद जी वीणा बजाते बजाते आ गए। कंस को बोले कंस, अभी अभी मैं आ रहा हूँ स्वर्ग से, मैंने देखा ब्रह्मा जी सारे देवता को लेकर मीटिंग कर रहे थे, जानते हो विषय क्या? बोले किया। बोले तेरे को मारे कैसे? बोले सावधान, ये जितने जदुवंशी और कोई नहीं, ये सब के सब देवता लोग, और जितने गोपियां और कोई नहीं देवियां, ये सब प्लानिंग करके तेरे को मारने के लिए आए। बोले फिर क्या करूं, मैं सब बच्चों को मार दूं? तो उन्होंने एक कमल फूल लाए थे जिसमें आठ पंखुड़ियां थी। बोले बताओ तो इसे पहला नंबर कौन, आठवां नंबर कौन? बोले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। बोले उल्टा से गिन, बोले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। बोले गुरु जी क्या बताना चाहते? बोले तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? बोले नहीं। बोले देखो देवता को बाणी समझना बड़ा कठिन, तू तो इधर से गिन रहे हो एक दो, अगर वो उल्टा से गिने तो
जिसको एक कर रहे हो जाएगा आठ, और जो आठ हो जाएगा एक, ये एक एक भाई बड़े होंगे कि नहीं, आठ भाई? बोले हाँ। बोले सब मिल करके तेरे को मारेंगे। बोले गुरुजी फिर क्या करे, सबको मार डालूं? बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता है, तेरा बात जानता है। बस उसको तो भड़का करके नारद तो भाग गए वहां से। कंस तो एक एक करके छह बच्चों को मार डाले। हाँ यहाँ प्रश्न होता है, भैया नारद संत है, ये संत ने मरवाया क्यों? बोले इनका पूर्व जन्म की बात बताए, ये ब्रह्मा का मानस पुत्र मरीज थे। एक दिन ब्रह्मा जी सरस्वती को सृष्टि की, वो इतनी सुंदर थी, ब्रह्मा अपना बेटी में आसक्त हो गए और उसको पीछे भागे थे, और इन लोगों ने खिली उड़ाया था। देखो ये बूढ़े को, ये अपने बेटी को पीछे भाग रहे हैं। ब्रह्मा जी अभिशाप दिया था, तीन जन्म तक अपना पिता के हाथ में मरोगे, मुक्ति मिलेगी, इसलिए जितने जल्दी मरेंगे उतना जल्दी मुक्ति मिलेगी। इसलिए नारद जी मरवाया नहीं, इनको मुक्ति दिला दिया। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, उन्होंने छह बच्चों को क्यों मारे, ये चीज को अच्छे तरह से समझो। भगवान अष्टम गर्भ में ठाकुर क्यों आए, और ये छह बच्चे कौन हैं? ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, अगर अपना हृदय में ठाकुर जी को प्रकट करना चाहते हो, सबसे बड़े हमारे छह शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। पहले ये छह शत्रुओं को मारो। फिर सप्तम गर्भ में कौन आए? बोले दाऊ भैया, श्री बलदेव प्रभु। ये कौन? बोले ये भगवान की आसन, भगवान का धाम स्वरूप, भगवान को जो हृदय में धारण कराने वाले, ये संधिनी शक्ति का अधिष्ठात्री देवता, भगवान को जो धारण करेंगे, इसलिए ये सप्तम गर्भ में। और अष्टम गर्भ में कौन आए? भगवान श्री कृष्ण के नैया। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है? हाँ देखो ये चीज को अच्छे तरह से समझो, भगवान अष्टम गर्भ में क्यों आए? बोले भक्ति की आठ सोपान है, आठ सीढ़ियां हैं। भक्ति का जो सबसे पहला सोपान क्या है? श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा है। आप सभी के हृदय में भावना श्रद्धा है, तभी तो यहाँ पर आकर के बैठे हो। श्रद्धा नहीं होता तो आप लोग यहाँ बैठते नहीं। दूसरा जो स्टेज किया, बोले साधु संघ, यहाँ पर बैठे तभी तो भक्तों का संग कर रहे हो, कथा सुन रहे हो। बोले तीसरा क्या है? बोले भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब जब संतों का संग करेंगे, फिर हमें पता चलेगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, हमारे क्या कर्तव्य है, ये दुनिया किया, माया किया, भगवान किया, फिर जीव को ये तत्व ज्ञान होता है। जब तत्व ज्ञान होता है, जीव को पता चलता है हम कौन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का ही अंश, हम सब के सब ठाकुर की संतान हैं। ठाकुर को भूलने का वजह से ये भगवान की बहिरंगा शक्ति माया ने ये कारागार में हमको ठोस दिए, और तरह तरह का दुख कष्ट हमें दे रहे हैं। भैया ये दुख से कैसे निकलेंगे, ये दुख कष्ट से कैसे निकलेंगे? हम तो साधारण है ही नहीं, अमृतस्य पुत्रा, हम तो बांके बिहारी की संतान है, भगवान अमृत का पुत्र, लेकिन भगवान को भूलने का वजह से माया में आकर के कष्ट पा रहे। फिर हमको क्या करना? भजन क्रिया, भगवान की भक्ति करना चाहिए। केवल पिता को पास में इतना जाकर के बोल दो, एक्सक्यूज मी पिताजी, हैं मेरे अपराध को माफ कर दो, इतना बोलना तुम्हें और कुछ नहीं। स्वाभाविक रूप में बच्चे को ऊपर में पिता माता के प्यार है। हर पिता माता तभी सुखी रहते हैं जब बच्चे सुखी रहे। अगर बच्चे दुखी रहे, पिता माता सुखी रहते हैं क्या? नहीं। हम भगवान की संतान हैं और संसार में बिलबिला रहे हैं, लेकिन भगवान अथाह संपत्ति के मालिक ठाकुर जी, केवल इतना उनको बोलना, ठाकुर जी मेरे अपराध को माफ कर दो, चरण में स्थान दे दो, फिर ठाकुर जी हमें गोद में ठाकुर जी भर लेंगे। इसलिए ये तृतीय स्टेज है भगवान की भक्ति करना। बोले चौथा स्टेज क्या है? जब भगवान की भक्ति करेंगे, हृदय में हमारी जो अनर्थ, काम, क्रोध, ये सब के सब दूर हो जाएगा। बोले पंचमा स्टेज क्या? बोले रुचि। रुचि मतलब होता है भगवान की भक्ति अच्छी लगने लग जाएगी। अभी अगर किसको बोलो भैया एक माला जप करो, देखना तीन घंटा बैठ बैठ कर तो सीरियल देख लेंगे, झूठ मूठ चीज को तीन तीन घंटा देख लेंगे। किसको बोलो एक माला जप करो, बोले इससे ये हमसे नहीं होगा, ये भगवान के नाम हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? कारण क्या? बोले जन्म जन्मांतर का पाप हमारी अंदर में, इसलिए पाप होने का नाते देखो अपना सास बहू की बुराई करो, घंटा घंटा उसमें बिता देते। इसलिए जिस समय श्री नारद जी वाल्मीकि को बोले, दशरथना कल को बोले, बोलो राम, बोलो राम, जोर से राम,
बोलो राम। लेकिन उसका मुंह से राम का नाम नहीं निकला, बोले क्यों? वो पापी था। कहते पापियों को मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है, हैं पापियों को मुंह से। तब उन्होंने बोले तू बोलता था मारो मारो, मरा मरा तो बोल सकते? बोला ये तो बोल सकता हूँ। लेकिन उसने उल्टा नाम करते करते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना है, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार करह मन माही। अगर ये कलयुग से कोई उधार होना चाहते हैं, ठाकुर जी सबसे सरल उपाय बताए, क्या करो? सवेरे उठ करके नहा धो करके क्या करो? ठाकुर की माला जप करो। क्या करनी चाहिए? इधर देखो, क्या करो? जितने हमें हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके काम करो, और करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का नाम जप करो। क्यों? अंतिम समय में प्रभु का नाम ही आएगा। इसलिए कहते रुचि, रुचि मतलब होता है अच्छी लग, टेस्ट लगना। आप लोगों ने मिश्री खाए हो? कौन कौन जिंदगी में मिश्री खाए हाथ उठाओ। अरे बोला हाथ, कोई मिश्री नहीं खाए? देखो आपसे एक प्रश्न करता हूं, मिश्री खाने में कैसे लगता है? मीठी। लेकिन ये मिश्री किसी किसको कड़वा भी लगता है, आप बता सकते हो? मिश्री तो मीठी है लेकिन किसको कड़वा लगता है मिश्री? कौन बोलेगा हाथ उठाओ, कौन बोलेगा हाथ उठाओ, ये मिश्री किसका कड़ू, किसको कड़वा लगती है? अरे बोलो, कोई बोल नहीं रहे हो? हाँ देखो, जिसको जंडिस पिलिया की बीमारी हो जाए ना, देखना वो जो कुछ खाएगा उसको कड़ू लगेगी। रसगुल्ला भी खाए, रसमलाई भी खाए, उसको सबके सब कड़वा लगेगी। बोले क्यों? बोले उसको पिलिया जंडिस का बीमारी हो गई। इसलिए पहले कोई दवा नहीं होता था, डॉक्टर कहा करता था देख भैया तेरे को जंडिस पिलिया की बीमारी हो गई, तू अभी मिश्री चूसा कर। लेकिन मिश्री तेरे को मीठी नहीं लगेगी, मिश्री तुमको कड़वी लगेगी। क्यों? अभी तुम्हारा जीवा कड़वी हो गई। लेकिन ये मिश्री चूसते 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 धीरे धीरे तुम्हारी बीमारी सही होती जाएगी। अब मिश्री जब मीठा लगने लग जाए, समझना तुम बीमारी सही हो गया, बीमारी तुम्हारी सही हो गया। इसलिए भागवत कहता है भगवान का नाम मीठा, भगवान के नाम के बगैर इतना मीठा जगत में कुछ है ही नहीं। हनुमान जी को देखो, दिन भर रघुपति राघव राजा राम करता है। शंकर जी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी हैं, सबके सब प्रभु का नाम। अभी हमें क्यों नाम मीठा नहीं लगता है? क्योंकि हमारी पूर्व पूर्व जन्म की पाप है, ये पाप से मीठा नहीं लगती है। फिर करनी क्या चाहिए? हाँ ध्यान देकर सुनो, करनी क्या चाहिए? मन नहीं चाहने पर भी माला लेकर के बैठो। अगर माला भी नहीं हो वैसे बैठो, और कम से कम 10 मिनट क्या करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कोई बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आज एकादशी, अगर एक बार नाम करोगे ना, 100 बार नाम करने का फल मिलेगा। हम यहाँ कितना भक्त बैठे हुए, कम 5 से 6 से भक्त बैठे हैं। एक माला तो एक करोगे एक बार, लेकिन 6 बार नाम करने का फल मिलेगा। क्यों? सभी का गला की आवाज सभी की कानों में जा रही। आज अगर एक बार नाम करोगे, 6 बार नाम करने का फल मिलेगा। और एक बार जोर से बोलो, जैसे छत उड़ जाए, जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। देखो ये जो हरे शब्द है, हरे मतलब हरि का नाम हरि है। हरे जो करेगा, हरे मतलब जीवन का जो दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए उनका नाम हरि। नाम करने से 3 फल मिलेगा। कृष्ण, कृष्ण मतलब क्या? क्री मतलब आकर्षण करना। हमारा मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है, हैं? इधर उधर। आप लोग कृष्ण नाम करो, देखना मन जो भटकता हुआ मन जो कंट्रोल में आ जाए, भटकेगा नहीं। स्ना मतलब आनंद देना। बोले राम, राम मतलब होता है जीवन में हमें जो आराम दे, जीवन में जो सुख शांति दे। ये कलिजू का यही महामंत्र है। हाँ, कलिजू का यही महामंत्र। अगर ये नाम करोगे तो 3 फल मिलेगा। दुख कष्ट दूर जाएगा,
भटकता हुआ मन भटकेगा नहीं और आनंद शांति और जीवन में आराम रहेगा। इसलिए सवेरे नहा धोकर क्या करना, खुद भी हरि नाम करो और तुम्हारी जो बच्चे होंगे ना उसको भी बोलो बेटा एक माला जप करके जाओ। ध्यान देकर सुना बताए, जो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है आप उसको बोलो तुम बैठ करके 10 मिनट एक माला जप करके जाओ, देख लेना वो बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा। वो बच्चा क्लास में पढ़ाई बढ़िया बढ़िया करेगा। एक तो बुद्धि देने वाले कौन है, ठाकुर जी। बुद्धि तो ठाकुर तो देंगे ना, कृष्ण गीता में कहते ददामि बुद्धि जोगम, बुद्धि देने वाले ठाकुर जी हैं। और जब कृष्ण नाम लेगा ये जो मन कब पढ़ाई में लगता है, मन जब एकाग्र हो, मन जिसका जिस बच्चे का मन भटकता है पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन कृष्ण नाम लेते ही भटकते हुए मन नहीं भटकेगा, वो शांत हो जाएगी। अब स्वयं देख लेना जैसे बच्चा की पढ़ाई बढ़िया नहीं होता है उसको बोले स्कूल जाने से पहले तो बैठ करके ये हरे कृष्ण महामंत्र 10 मिनट बोल करके तू स्कूल जा, 10 मिनट बोल करके जा, देखना वो बच्चे का मन शांत हो जाएगा, भक्ति की भावना आएगी, वो बच्चे का पढ़ाई भी बढ़िया होगी। ठीक है ना, बच्चे को खुद नाम करना, बच्चे को भी बोला हरि नाम करने के लिए। इसलिए कहते रुचि तब आसक्ति निष्ठा, निष्ठा मतलब होता है भक्ति में एकदम परिपक्व हो जाती है। भले ही जीवन में जितने दुख कष्ट आए वो दुनिया छोड़ देगा लेकिन प्रभु का भक्ति नहीं छोड़ सकता है। उसको बाद में भाव भावावस्था में ठाकुर जी की झलक दिखने लग जाता है। कभी कभी ठाकुर की बंसुरी की आवाज सुनने को मिलेगी, कभी कभी चरने की नुपुर की झंकार, कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आए अपना अधरा मृत पिला करके ठाकुर जी चले गए, बड़ी सुंदर सुंदर ऐसे लगेगा ठाकुर जी मुझे को स्पर्श कर रहे हैं, तुम्हारी रोंगटे खड़े हो, ये भावावस्था। और प्रेमावस्था में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाएंगे और बांके बिहार जी की दर्शन मिलेगा। बोले श्री कृष्ण के नहीं आ लाल की, इसलिए ठाकुर जी अष्टम गर्भ में आए। अभी श्री बांके बिहारी जी आ रहे हैं, जब भगवान जन्म हुए उसी समय में मातृ गर्भ में जब आए 33 करोड़ देवता ठाकुर को स्वागत कर रहे थे। जमुना में जमुना कलकल नाद से बह रही थी, भगवान की जय जयकार करते हुए एक बार जय दो भगवान की। बोले श्री कृष्ण के नहीं आ लाल की, और कमल फूल खिलती हैं दिन में लेकिन कमल फूल खिल गया रात में। बोले रात में क्यों कमल फूल खिल गया, बोले संत लोग जब भगवान की कोई अंग को उदाहरण देंगे बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने, बोले उनका नेत्र कमल चरण कमल नाभि कमल उनकी हस्त कमल कमल को साथ में। और ये वृंदावन धाम कुंज कुंज में सुंदर सजधई, बोले क्यों, बोले भगवान नंगे प्यार में वृंदावन धाम में विहार करेंगे। सारे पेड़ में फल फूल आ गए जिनकी कुंज कुंज में ठाकुर जी लीला करेंगे। ठाकुर जी जब आए उसी समय था अष्टमी का रात, लेकिन आज अष्टमी का रात में चंद्रमा होता है आधी, लेकिन आज चंद्रमा पूर्ण चंद्र रूप में प्रकट हुए। बोले क्यों, बोले ठाकुर जी आज मेरे वंश में आ रहे हैं। और आकाश में काला मेघ छाया हुआ था, रिमझिम बारिश ही हो रही थी। देखो चंद्रमा ऊपर में और बादल नीचे, अभी चंद्रमा बादल में लड़ाई शुरू हो गया। इतने में चंद्रमा ने बादल ने कहा चंद्रमा, चंद्रमा ने कहा बादल तुम मेरे सामने हट जा। बोले क्यों, बोले ठाकुर जी आज मेरे वंश में आ रहे हैं। बोले तेरे वंश में आ रहे हैं लेकिन कलर लेकर के मेरे आ रहे हैं। लड़ाई होना शुरू हो गया। बोले भैया लड़ाई मत करो, आज तो ठाकुर जन्म ले रहे हैं, सबके सबको आनंद ले दो, इसलिए लड़ाई भड़ाई मत किया करो। सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा था। इतने में भगवान कृष्ण ठीक रात का 12 बजे ठाकुर जी कंस के कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। इतने में जब ठाकुर जी प्रकट हुए देवकी वसुदेव बोले प्रभु आपको तो मैंने बालक रूप में प्रार्थना की थी, आप तो चतुर्भुज रूप लेकर के शंख चक्र लेकर के आए हो। बोले तुम लोगों पूर्व जन्म में प्रश्नी और सुतोपा थे, कठोर मेरी तपस्या की। मैंने कहा बरमागो, तुम दोनों ने कहा आप जैसे के बेटा बन करके अब आओ। मैंने कहा मेरे जैसे कोई होते ही नहीं, मैं ही बेटा बन करके आऊंगा। देखो अभी मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा और मेरे को लेकर के गोकुल ले जाना,
वहां पर एक बेटी जन्म हुई, बेटी को ले आना, मेरे को छोड़ देना। बोले ये हथकड़ी बड़ी पड़ी हुई, हम कैसे जाएंगे? बोले कोई चिंता मत करो, मेरे को अपना सर पर ले लो, आप हथकड़ी बड़ी खुल जाएगी, ताला खुल जाएगा, पहन कर सो जाएंगे। देखो ठाकुर जी यहाँ शिक्षा देते हैं, घर में कोई भी काम करो अगर ठाकुर जी को आगे लेकर काम करो, देखना कितना करते हो तुम, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। लेकिन अगर ठाकुर को सामने लेकर करोगे तो, लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चे का बर्थडे, शादी का सालग्रह, सारा दुनिया को बुलाएंगे, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा शराब पिलाएंगे और पता नहीं क्या कितना बोतल तुड़वाएंगे, कितने मांस कितना मुर्गा खिला देंगे, लेकिन ठाकुर जी चुपचाप बैठेंगे, बच्चे का बर्थडे मनाएंगे, खुद तो दिन में 3 बार ड्रेस बदलाएंगे, अपना बच्चे के लिए 2-3 सेट ठाकुर ले आएंगे, कपड़ा ले आएंगे, लेकिन ठाकुर जी घर में 10 दिन से एक ठाकुर कपड़ा पहन कर बैठे हुए, एक कपड़ा दिन में 3 बार कपड़ा बदला रहे हैं, अपना बेटे को पता नहीं कितने कपड़ा पहना रहे हैं, लेकिन ठाकुर चुपचाप बैठे हुए। नहीं, ऐसे नहीं, घर में जब कोई उत्सव हो, बच्चे के लिए कपड़ा पहले मत लाओ, पहले ठाकुर के लिए कपड़ा है कि नहीं, तुम्हारे लिए साड़ी मत लाओ, देखो ठाकुर के पास में कहीं कपड़ा है कि नहीं, दूसरों को खिलाने से पहले पहले ठाकुर को भोग लगाओ, तुलसी पत्ता से ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर को भोग लगाओगे ना, ठाकुर जब खुश हो जाएंगे, ठाकुर को जब श्रृंगार करोगे, देखना तो खुद श्रृंगार हो जाएगा तुम्हारी, अपने आप तुम सज जाओगे। अगर ठाकुर को सेवा नहीं करोगे, जितने शरीर को तू सजा ले, जितने बेटे को सजा ले, वो घर में शांति सुख नहीं रह जाएगी। ठाकुर अगर खुश हो गए ना, उदाहरण दिया, अपना शरीर को श्रृंगार करो, शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, परछाई अपने आप सज जाती है, अपना शरीर को ठीक से सजाओ, उसी तरह जब ठाकुर को सजाओगे तुम अपने आप संसार में सज जाओगे, हैं? इसलिए यहाँ पर अभी ठाकुर जी आ रहे हैं, अभी ठाकुर जी को हम सबके सब स्वागत करेंगे। भैया ठाकुर जी को ले आओ, भगवान को लेकर के आ जाओ ठाकुर जी को। बोले सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, बीच बीच में हाथ में देखो, स्वागतम लाला की
सोने की कोई चीज पहन करके आए हो, कुछ कुछ पुतना भी आ जाती है बीच में, कुछ पुतना भी बीच बीच में आई है। इसलिए जिनके पास में सोने का कोई चीज चोरी होगा तो कोई दोष नहीं देना, नहीं तो पिटाई करेंगे हम। सभी को बड़े धूमधाम से नाचना है, ठाकुर जी दरबार में आके संकोच नहीं करेंगे। Oh,
Thank you.
तेरी मैया तेरी गोद में आयो आज सदाई दे तेरी मैया सदाई दे तेरी मैया सदाई दे तेरी मैया ओ बधाई दे तेरी मैया बलसिंधन के लाला की है अभी आई अभी हमारे डोरीलाल भाऊजी भजन गाएंगे इच्छा थी कि कार्यक्रम को नीचे से आरंभ करूं नीचे से नहीं ठाकुर जी की ऐसी इच्छा नहीं ऊपर से आरंभ करूं प्रभु हाँ लेकिन मैं चाह रहा था कि जगह दे तो देखिए जसोदा मैया ने लाला मथुरा में लाला प्रकट भयो और नंद बाबा के 80 वर्ष में लाला ने लाला को जन्म दिया जसोदा मैया ने चलो रे चलो ग्वाल में चलो भैया से काम को चलो भैया मन में चलो चलो भैया चलो गोपिया चलो भैया आप अगर बैठ के आनंद लेंगे और जो नृत्य करने वाली नृत्य का आनंद लेंगे चलिए कोई बात नहीं जो नाच सके तो ही करे हो आज पारी थी सी बेज नारी बनी आहा कवित के बाद ही आरंभ हुआ आज पारी थी सी बेज नारी बनी गुजिया से की पर गुजा से ग्वाला तेला से प्यार बने बलदे बिजू सिरोहणी रूप रसाला नंद महीप बने नमकी कुल गोप सब गरम मसाला जाय यशोदा जले भी सिरानी में बोला आप कैसी यशोदा मैया ने लाला को जन्म दिया जले भी सिरानी में जाय यशोदा जले भी सिरानी में रबड़ी सिरा तुम्हें और ये लड़ुआ सोलाना अरे यशोदा जलेबी सिरानी ने रबड़ी सिरा तुम्हें लड़ुआ अरे यशोदा मैया हरि बोल हरे कृष्णा ये यशोदा मैया तेने जैसे लाला जाए हुए रबड़ी सिरा तुम्हें लड़ुआ सो आइए प्रभु जी हरे कृष्णा पीछे जो प्रसाद दे रहे हो अभी प्रसाद मत दिया करो 20 मिनट के लिए प्रसाद मत दो तो पीछे जो प्रसाद दे रहे हो अभी प्रसाद बंद कर दो 20 मिनट बाद में प्रसाद देना तो चलो पीछे भैया चलो ग्वाल में सखो भैया पीछे चलो चलो सखी चलो नंद के द्वार Oh, my God.
और नाचत है नर नार नर नार नाला के दर्शन कर आवे और नाचत है नर नार नर नार नाला के दर्शन कर आवे सखी चलो नंद के द्वार ओ द्वार नाला के दर्शन कर आवे मेवा थारन में भर लेनी 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 क्या छब पे बलहार बलहार लाला की दर्शन कर आवे और क्या छब पे बलहार बलहार लाला की दर्शन कर आवे सखी चलो नंद के द्वार ओ द्वार नाला के दर्शन कर आवे I'm
ये प्रकट भयो है मथुरा में ये Thank you.
को दर्शन करके राम नर को दर्शन करके बधाइए बधाइए नारायण की बधाई बधाइए बधाइए नारायण की बधाई के लोग भाई है बधाई बधाई है बात मिठाई है बधाई है बात मिठाई है बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे जगह दीजिए और आनंद लीजिए, आइए। हरे कृष्णा, ये जो टॉपिक है ना, आज कोई मत खाना, आज एकादशी भैया, आज एकादशी भैया, पांचवा एकादशी का भी सूचित खाना, थोड़ा मुझे जगह दे दो, चावल वावल होगा कोई खाना नहीं, जो बांटेंगे नहीं, थोड़ा इस बधाई का आनंद लीजिए पहले, इसके बाद ही करेंगे। मुझे थोड़ा जगह दीजिए और बीच में मुझे जगह छोड़ लीजिए थोड़ा सा। मेरा निवेदन सभी से, जय श्री राधे। समय नहीं कहा है, मैं सोच रहा हूँ एक बधाई कम से कम और बोल दूँ। जय जय श्री, थोड़ा मुझे जगह दे दीजिए, सभी से निवेदन मेरा, मैं थोड़ा आगे जाऊंगा। जय जय श्री राधे। लालन को जाए जन्म सुन लालन को खाए सब गोपी कहा बूढ़े कहा बा जय 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 बोलते कहा बूढ़े कहा बा। देखो अरे ये सदम भैया तेने ये नाला की ऐसे नटकर की जन्म दिया मैया, मैं तो यहाँ दर्शन में रह ना सकूंगा। देखो मेरे संग में एक ना है, या की बुआ आई है, या की बहने आई है, और या की मैया आई है, और जाको बाबा आए हुए है, और जाको दाऊ भैया को आए हुए है, चाची चाची आए हैं। तो देखो आज मैं सबसे बहना बधाई लेके जाऊंगी, बहुत दूर से आई हूँ। अब तुम्हें तो पतो ना पतो, लेकिन महाराज जी को सब मालूम है, इन्हें निमंत्रण से मुझे आज बुलाए हुए। देखो ध्यान रखना मेरी बधाई को। हाँ जय जय श्री राधे। अपने अपने भैया बटुए को निकाल लियो, लाला के जन्म में हुआ है, बधाई लेके जाऊंगी। हाँ कन्नी मत बनियो, महाराज जी ने कही ना कि अगर संतन की सेवा में और भगवान की सेवा में लगाओगे तो दुमदून हो बहे वो, गिरिराज महाराज की बताई। तो देखो समय ना आए ज्यादा, ज्यादा समय ना आए लूंगी बहना में तुम्हारो। आओ सगरी सगरी रात में मैं रोए 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 काती, सगरी सगरी रात में मैं रोए रोए काती हो रोए रोए काती, सगरी सगरी रात में मैं रोए रोए काती हो रोए रोए काती, सगरी सगरी रात में मैं रोए रोए काती हो रोए रोए काती। तब ये खबर सुन पाई बाबा लाला को जन्म सुन आई, ओ बाबा लाला को जन्म सुन आई, ओ बाबा कन्हा को जन्म सुन आई, ओ बाबा कन्हा को जन्म सुन आई। बधाई।
नचते हो मैया नचते हो Oh, Baba.